ये बिहार में ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, इसे बिहार में ज़्यादा ही खाया जाता है। तो चलिए आज मैं इसका रेसिपी बना के दिखाती हूँ, और ये बरसात का सीजन में खाना खाया जाता है। फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है, करीबन 11 बज रहा है, और मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। आई हूँ तो लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ खटाई का झोर भात चूखा, जो कि आप लोग कभी पहले पता नहीं खाए हो कि नहीं खाए हो, बट आज मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा। तो मेरे पास खटाई रखा हुआ है, तो मैं आम की खटाई का झोर बनाने वाली हूँ। शायद ही यूट्यूब पे पहली बार ये बनने वाला होगा। तो चलिए एंजॉय कीजिएगा और रेसिपी को पूरा देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पानी ले ली हूँ कढ़ाई में, करीबन 2 गिलास के करीबन पानी। सूखा हुआ आम का खटाई है जो कि बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर करीबन 8 खटाई ले ली हूँ। तो इसे अच्छे से, यहाँ पे मैं 2 चम्मच सत्तू ले ली हूँ फ्रेंड। इसे मिला दूंगी। अच्छी तरह से चला देती हूँ। मैं 1 चम्मच के करीबन मैं नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, देख सकते हैं आप इसका कलर कितना चेंज हो गया है। चार हरा मिर्चा मैं इसे डाल देती हूँ मिक्सचर में, गोलकी, जीरा, डाल देती हूँ। तो आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। सावन का सीजन है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह से हम लोग कढ़ी बनाते हैं दही का, ये उसी के जैसा ही बनता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। फिर तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चावल। तो आइए फिर मैं आपको खा के दिखाती हूँ ये खटाई का झोर भात और चोखा कैसा बना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही चटपटा है, खट्टा स्पाइसी है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा फिर, बहुत ही अच्छा बना है। मैं चोखा भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। चोखे में जो चौक लगता है वो चोखा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
तो आइए फ्रेंड आप लोग इसमें खा लीजिए। खाने के चक्कर में मैं भूल गई थी कि आप लोग को ही पूछना है। खाना बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बरसात का सीजन है तो हरे सब्जियाँ खा खा के मन भर जाता है। तो आप कुछ इस तरह का ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोग के घर में सबको पसंद आएगा, बच्चे से लेके बूढ़े तक खाना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इसको जरूर बनाइएगा।